स्वाति पाटिल है, मैं सोशल वर्कर हूँ और इस कॉलेज में इन लोगों की मैं एक नेतृत्व कर रही हूँ। सब इधर पेरेंट्स है और स्टूडेंट है सब। मामला ऐसा है कि इस कॉलेज में बहुत सारे बच्चों लोगों ने ऑनलाइन से एडमिशन लिया था। जैसे कि लिस्ट में हमारा नाम आता है तो पहले लिस्ट में, दूसरे लिस्ट में बहुत बच्चों का नाम आया था और वो लिस्ट में नाम आने के बाद इन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया से जो एडमिशन लिया था उस टाइम किसी ने दिसंबर में लिया है, किसी ने अगस्त में लिया है और कॉलेज ने फीस लिया। अलॉटमेंट लेटर भी है गवर्नमेंट का। फीस लेने के बाद अभी कुछ महीना पहले इन बच्चों को कॉलेज ने डिवीजन दिया है, सब्जेक्ट भी चेंज करके दिए हैं, कुछ बच्चों लोगों को कॉलेज आईडी भी दिया है। उसके बाद अभी चार महीने के बाद आज कॉलेज करीबन 100 स्टूडेंट्स को बोल रही है कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हुआ है। जब इसका रीज़न हमने पूछा तो उन्होंने बोला है कुछ कंसेंट फॉर्म नहीं भरा है, कौन सा बटन क्लिक नहीं किया है। हमने बहुत सारे साइबर वालों को पूछा है, बहुत सारे ट्रस्टी को पूछा है कॉलेज को कि ये क्या होता है। बाद में पता चला कि कॉलेज पूरा झूठ बोल रही है, जबकि गवर्नमेंट का अलॉटमेंट लेटर है, दिसंबर में कॉलेज ने फीस लिया है बच्चों लोगों से। आज हमको पता चला है कुछ बच्चों लोगों से 12,000 रुपये फीस लिया है कॉलेज ने ऑनलाइन एडमिशन में, कि कंप्यूटर फीस दिखाया है। तो इन बच्चों ने जो लिस्ट में नाम आके एडमिशन लिया था और बच्चे एकदम निश्चिंत थे कि अभी हमने फीस भरा है, हमारा कुछ एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है, लेकिन अब चार महीने के बाद जब कॉलेज बोल रही है कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हुआ है, बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स रो रहे हैं कि अब हम किधर जाए, जिधर 95% सब तरह का सब कॉलेज का एडमिशन कंप्लीट होने जा रहा है, खुल हुआ हो चुका है कि अगर हम किधर जाए। और दूसरी बात है हम किधर क्यों जाए, क्योंकि इस कॉलेज ने हमारा फीस लिया है, हमने ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन से आज एडमिशन लिया है। देखो इस कॉलेज का मामला ये नहीं है कि इस कॉलेज ने ऐसा किया है, कल जाके और कॉलेज में भी ये मैटर हो सकता है। आज ये बड़ा घोटाला इधर ध्यान में आया है कि ऐसा भी हो सकता है। जब हम ऑनलाइन फीस लेते हैं, कॉलेज को दे देते हैं, हम निश्चिंत रह जाते हैं, लेकिन अभी पता चल रहा है कि चार महीने में कॉलेज ऐसा भी बोल रही है। अभी कॉलेज का कंडीशन ऐसा हुआ है कि इधर पूरा सीट फुल दिखा रहे हैं वो, अभी इन बच्चों के किधर बिठाए, किधर ले रहे। हमने आज 3 दिन हुआ है इधर कॉलेज के सामने हम बैठे हैं, शिक्षा मंत्री से, शिक्षण अधिकारी से अभी कल मैसेज आया है, हम 2 दिन में कर रहे हैं, अभी हम 10-12 दिन हुए यही सुन रहे हैं कि हमने डाला है प्रस्ताव, हम कर रहे हैं। आज ऐसा है कि हमारे पास पूरा पेपर है, पूरा बच्चों के पास सबूत है कि इसी कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ है, गवर्नमेंट ने हमारा एडमिशन अलॉटेड किया है। तो हम अभी सोमवार को तक, आज के आज हमने डिसीजन मांगा है कि शनिवार तक हमको डिसीजन आना चाहिए, आज वर्किंग डे है। अगर आज डिसीजन नहीं आया तो सोमवार को ये आंदोलन ज़्यादा तीव्र होगा। उसके बाद हमने कोर्ट में जाने की भी सुझाव उनको दिया है कि हम कोर्ट जाने वाले, ये सूचना हमने उनको दिया है कि हम अगर नहीं हमको कुछ हो सका तो हम मंगलवार को हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, क्योंकि पूरा सबूत हमारे पास है। बाकी अभी कॉलेज को क्या पनिशमेंट होगी, क्या इनका है, वो कॉलेज देखेगी। माझं नाव करण रमेश जाधव, मी एन जी आचार्यचं स्टुडंट आहे। मी 18 डिसेंबरला मी थर्ड लिस्टमध्ये माझं नाव आलं होतं, मी ऑनलाईन फी हे सर्व भरले आणि आता 1 महिन्यानंतर आम्हाला बोलले की कन्सेंट फॉर्म भरला नाही, त्यासाठी आमचं ऑनलाईन लेक्चर हे सर्व कॅन्सल केले आणि आत्ता आम्हाला बोलते की कन्सेंट फॉर्म बोलून तुमचा हे प्रॉब्लेम झाला, आता तुम्ही तुमचं गलती बोलून झालं आणि आत्ता माहीत पडलं की कॉलेजवाल्यांची पण याच्यामध्ये फॉल्ट आहे। माझं नाव स्नेहा संजय वैती आहे। मी ॲडमिशन या कॉलेजमध्ये, आचार्य कॉलेजमध्ये घेतलं होतं, बट स्टार्टिंगला दाखवलं ये अलॉटेड आहे, बट नंतर मेसेज आला की आमचा ॲडमिशन नॉट व्हॅलिड आहे, त्यासाठी आम्ही लोकांनी हे सगळं आंदोलन केलं आहे। आम्हाला ॲडमिशन भेटायलाच पाहिजे, आम्ही दुसऱ्या कॉलेजमध्ये जाणार नाही, हेच कॉलेजमध्ये आम्हाला ॲडमिशन भेटायलाच पाहिजे।